हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू फ्लाई। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे पुलिस एंड थेफ्ट के बारे में। देखिए, ये पार्ट थ्री है टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम का। इससे पहले दो पार्ट में हम ट्रेन का कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी था वो सब डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में पुलिस और थेफ्ट का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं ये सब SSC में आए हुए क्वेश्चन हैं, वहाँ से ही डिस्कस किए हैं। ये अगर आप इससे बारे में दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आपसे पहले देख लीजिए, ताकि जो हम अभी पढ़ाएंगे उसको आपको आपसे अच्छा से क्लियर होए। वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पहले वाले वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट खोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है और ये सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 है, इससे सॉरी 19 है। इससे पहले हम 18 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेसेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। ठीक है, देखिए इसे हिंदी में देखते हैं क्या बोल रहा है ये। पुलिस जो होता है सिपाही, वो चोर को देखा, कितना डिस्टेंस में देखा, वो 200 डिस्टेंस में। पहले ये देखिए, ये पुलिस है और ये चोर है। ठीक है, पुलिस इसको देखा 200 डिस्टेंस से देखा। अब क्या किया, पुलिस इसको पकड़ने जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का दूरी अभी दूरी है 200 मीटर। थीफ का जो उसका स्पीड है, थीफ का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। पुलिसमैन का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम बिटवीन आफ्टर 6 मिनट। देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा 6 मिनट बाद। ठीक है, हमको स्पीड दे दिया है पुलिसमैन का, टाइम क्या है 6 मिनट। तो हम देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होगा। ये स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो बोल सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 6 मिनट। 6 मिनट में कितना दूरी वो जाता है पुलिस देख रहे हैं, 6 मिनट है। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये 6 मिनट है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करते डिवाइड बाय 60 करके। ओके, ये 6 से काट लीजिए, 10 से जाएगा। ये 11 बाई 10 किलोमीटर, इसको मीटर में लेते हैं कि यहाँ पे मीटर दिया हुआ। ओके, देन ये होगा 1100 मीटर। मतलब पुलिसमैन जिसका स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, 6 मिनट में वो 1100 मीटर जाएगा। सिमिलरली थीफ का देखते हैं, थीफ जो है 6 मिनट में कितना दूर जाएगा वो, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना है 10, टाइम कितना है 6 मिनट है, इसको 60 में डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये आवर में हो जाए। ये 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 यहाँ कट जाएगा। ओके, तो ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ओके, मतलब थीफ जो है 6 मिनट में 1000 किलोमीटर गया। अब देखिए इसे कंक्लूजन क्या हमने ड्रॉ किया। पुलिसमैन जो है 1100 मीटर गया, इट मींस पुलिसमैन तो यहां से गया 1100, मीन्स ये तो पहले 200 ट्रेवल किया। ठीक है, 200 और प्लस 1100 से 200 माइनस करिए 900, तो 900 मीटर और दूर गया। अब पुलिसमैन का पोजीशन ये हो गया P1। ठीक है, पहले तो 200 ट्रेवल किया यहां से यहां 200 और प्लस टोटल 1100 किया पुलिसमैन, यहां से यहां तक 1100 किया। ये 200 हुआ, इसको डिवाइड 200 में डिवाइड कर दिया, यहां से यहां 200 है हुआ और यहां से यहां 900। ठीक है, अब पुलिसमैन यहां पे आ गया। थीफ तो स्टार्ट यहां से किया है, तो थीफ 6 मिनट में कितना किया 1000 मीटर। तो यहां से 1000 मीटर कितना होगा, देखिए यहां से यहां तो 900 मीटर हुआ और ये एक्स्ट्रा थीफ का पोजीशन कितना हुआ 100 मीटर। इट मींस 900 प्लस 100, थीफ 6 मिनट में 1000 मीटर गया। ठीक है, अब हमको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। तो पुलिसमैन और थीफ के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ 6 मिनट बाद, तो हम लोग बोल सकते हैं ये डिस्टेंस ही है वो। ये डिस्टेंस कितना हुआ 100,
तो आंसर मेरा कितना हो गया, 100 मीटर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्स्टेबल फॉलोज अ थीफ हु इज 200 मीटर अहेड ऑफ कॉन्स्टेबल। इफ द कॉन्स्टेबल एंड द थीफ रन एट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, द कॉन्स्टेबल वुड कैच द थीफ इन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखती है क्या पहले बोल रहा है। एक कॉन्स्टेबल है जो कि थीफ को देखा 200 मीटर से। ओके ये कॉन्स्टेबल है, ये थीफ है, 200 मीटर दूरी है दोनों का। इफ अ कॉन्स्टेबल एंड थीफ रन एट द स्पीड ऑफ, ये स्पीड कॉन्स्टेबल का स्पीड दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर और थीफ का दिया हुआ है 7 किलोमीटर पर आवर। द कॉन्स्टेबल वुड कैच द थीफ इन, देखिए ये कॉन्स्टेबल का स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगा थीफ से, अगर कम रहेगा तो अदरवाइज ये पकड़ेगा नहीं, इसको पकड़ ही नहीं सकेगा, इसलिए इसका स्पीड कुछ ना कुछ थीफ से ज्यादा ही रहेगा, तभी पकड़ेगा कॉन्स्टेबल जाके। ठीक है, द कॉन्स्टेबल वुड कैच द थीफ इन, ये टाइम मांग रहा है। ओके देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, सॉरी टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। ओके देखिए टाइम बराबर डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। ओके अब देखिए स्पीड क्या होगा, ये कॉन्स्टेबल ऐसे जा रहा है थीव की तरफ और थीव भी इस तरफ ही मूव कर रहा है, इस तरफ तो मूव नहीं करेगा कॉन्स्टेबल, इस तरफ मूव करेगा तो वो भी इस तरफ सेम डायरेक्शन मूव नहीं करेगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, सॉरी ये ऐसे मूव कर रहा है, ये भी थीव भी ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका स्पीड इधर है और इसका स्पीड इधर है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन जो स्पीड होता है तो हम लोग स्पीड को क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है, देन 8 किलोमीटर पर आवर और 7 किलोमीटर पर आवर दोनों माइनस हो गया होगा 1 किलोमीटर पर आवर। ओके ठीक है, ये 1 किलोमीटर पर आवर देखिए लिख देते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर हुआ, ये 200 मीटर हुआ। देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर है, देन इसको कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड करेंगे। ओके अब हटा देते हैं सबको, देखिए काटते हैं 5/4 20 0, देन टाइम बराबर 40 × 18 आवर। ओके देखिए अब क्या बोला, टाइम पूछ रहा है लेकिन हम लोगों का आंसर जो है आवर में नहीं है, ये आवर में आया, हम लोगों का आंसर मिनट में मांग रहा है, देन आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है 20 anyway, देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 6 से 3 में कट जाएगा। अच्छा सॉरी ये आवर नहीं था, देखिए यहाँ एक मिनट हम दूसरा पेपर में बताते हैं आपको, ये यहाँ बता देखिए, ये टाइम बराबर हुआ 40 × 18। ठीक है, ये तो हम लोग कन्वर्ट कर दिए थे ना, मीटर पहले किलोमीटर पर आवर था स्पीड, अब उसको मीटर पर सेकंड में ले आए, देन ये टाइम कितना निकला, सेकंड निकला। ओके टाइम सेकंड निकला, हमको आंसर में चाहिए मिनट में, देन क्या करेंगे डिवाइड बाय 60 करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, ये 6 से 3 हो जाएगा, 4 से 12 12 मिनट, तो आंसर मेरा क्या हुआ, 12 मिनट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ पुलिसमैन गोज आफ्टर द थीफ हु हैज 100 मीटर स्टार्ट। इफ द पुलिसमैन रन्स अ किलोमीटर इन आप किलोमीटर, ठीक है आप किलोमीटर इन 8 मिनट एंड द थीफ अ किलोमीटर इन 10 मिनट। ओके द डिस्टेंस कवर्ड बाई थीफ बिफोर ही इज ओवर पावर्ड इज। ओके देखिए क्या बोल रहा है, पुलिसमैन और थीफ का डिस्टेंस बता दिए, एक दूसरे का दूरी क्या हुआ, पुलिसमैन और थीफ के दूसरे दूरी क्या है, ओके 100 मीटर। इफ पुलिसमैन रन 1 किलोमीटर इन 8 मिनट, मतलब क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर वो जाता है 8 मिनट में पुलिसमैन, तो इसका स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम। ओके किलोमीटर पर मिनट,
सिमिलरली थीफ का क्या हुआ, 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, तो स्पीड क्या होगा थीफ का और ये पुलिसमैन का स्पीड क्या होगा, 1/10, ओके, किलोमीटर पर मिनट। अब देखिए देखिए स्पीड का रेशियो अगर निकालेंगे, स्पीड का रेशियो बराबर डिस्टेंस का रेशियो होता है, कि हमको डिस्टेंस चाहिए इसलिए डिस्टेंस का रेशियो निकाल रहे हैं, तो स्पीड और डिस्टेंस, ओके, देखिए ये दोनों पुलिसमैन और पुलिस और थीफ का, पुलिस और थीफ का स्पीड का रेशियो क्या हुआ, 1/8 और 1/10 थीफ का, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सेम ही होता है, तो 1/8 बराबर 1/10 इसको काट लीजिए, तो काटिए तो क्या होगा, डिवाइड कर दिए, 1/2 से काटते हैं, 2 4 2 5, ओके, 1/4 और 1/5, ओके। देखिए ये दोनों का दूरी कितना दिया हुआ है, ये दोनों का दूरी दिया हुआ है 100 मीटर, तो ये माइनस ये बराबर 1/4 माइनस 1/5 बराबर कितना होगा, 1/20, तो ठीक है 1/20, तो बोल सकते हैं 1/20 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, पुलिस और थीफ, पुलिसमैन और थीफ के बीच का दूरी क्या है, 100 मीटर, तो 1/20 यूनिट बराबर 100, ओके, तो 1 यूनिट बराबर 20 × 100, 1 यूनिट बराबर इतना, ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, 1 यूनिट बराबर 20 × 100, हमको निकालना क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय थीफ, थीफ के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, देखिए तो थीफ के बीच द्वारा कितना डिस्टेंस हुआ, 1/5 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 1/5 यूनिट बराबर 20 × 1/5 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 5 × 4 = 20, 4 × 100 कितना होगा, 400 मीटर, ओके, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। देखिए अगर ऐसे करिएगा टाइम कम लगेगा, अगर बेसिक मेथड से करिएगा टाइम काफ़ी लग जाएगा और शायद कैलकुलेशन भी गलती हो सकता है, इसलिए रेशियो मेथड इसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अ गुड्स ट्रेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम अ प्लेस एट 1 PM एट द रेट ऑफ 18 km/h एंड अनदर गुड्स ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम प्लेस एट 3 PM इन सेम डायरेक्शन एंड ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन एट 9 PM द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए ये जो भी क्वेश्चन लिए हैं ये सब SSC में पूछे गए हैं, ये सब कोई कोई मेन्स का है, कोई CHSL का है, कोई CGL का है, ओके, और काफ़ी बार रिपीट इस तरह का क्वेश्चन हुआ है, इसलिए हम ये सब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, अ गुड्स ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन है जो कि दो सही गुड्स ट्रेन है रनिंग फ्रॉम प्लेस, ठीक है। देखिए गुड्स ट्रेन है जो कि अलग अलग टाइम पे छूट रही है, ठीक है, एक छूट रही है 1 बजे से, 1 बजे दोपहर में, ठीक है, और इसका रेट क्या है, 18 km/h के स्पीड से चलती है ये, ओके। सेकंड केस, ये केस वन है, केस वन, केस टू क्या हुआ, केस टू है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन छूट रही है, अदर गुड्स ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, इसी सेम प्लेस इट मीन्स सेम स्टेशन से, स्टेशन ए से समझ लीजिए, स्टेशन ए से एक ट्रेन छूट रही है 1 बजे दोपहर में और 18 km/h उसका स्पीड है, दूसरी ट्रेन है जो वो छूट रही है 3 बजे, है ना, 3 बजे, ओके, 3 बजे, और उसका स्पीड क्या है, चाल क्या है नहीं पता, द स्पीड ऑफ सेकंड हम लोग को यही मांग रहा है, ओके, तो हम लोग तो लिख सकते हैं, एक्स मान सकते हैं ना, है 1 किलोमीटर/h मान लेते हैं इसको, ओके। देखिए अब देखिए ये ट्रेन समझिए यहाँ से चली, ये ट्रेन भी ऐसे चली, दोनों जाके मिली जाके किस में, 9 बजे जाके ना, दे ओवरटेक की ज्यादा फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन को, सेकंड ट्रेन जो है फर्स्ट ट्रेन को ओवरटेक की, कितने बजे, 9 बजे रात में, चलिए ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या लिखा हुआ, 1 बजे जो पहला केस में 1 बजे जो ट्रेन खुली थी वो 9 बजे जाके इससे मिली, ठीक है, स्पीड क्या हुआ 18 km/h, तो टाइम पता है हमको, 1 बजे खुली 9 बजे मिली, तो टोटल ड्यूरेशन, टाइम का ड्यूरेशन क्या हुआ, 9 - 1 = 8, मतलब 8 घंटा, 8 आवर्स, ओके, 8 आवर्स में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस वर्क ट्रेवल की,
निकाल सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ओके तो स्पीड क्या हुआ मेरा 18 इंटू टाइम क्या हुआ 8 घंटा। ठीक है ये डिस्टेंस हुआ, इसको कैलकुलेट मत करिए ऐसे ही रहने दीजिए, इसका कहीं हेल्प लगेगा मेरा, इतना इतना किलोमीटर। ठीक है अब देखिए ये डिस्टेंस हो गया। सेकंड केस में ये जगह उससे मिला सेम स्टेशन सेम प्लेस से, प्लेस ए लिए थे हम लोग, सेम प्लेस से ही दोनों ट्रेन खुली है, देन डिस्टेंस जो ये ट्रेवल किया डिस्टेंस जो ये ट्रेवल किया ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके कि दोनों मीट किया है एक ही प्लेस से निकला था, यहीं से निकला था, मीट किया एक ही पॉइंट पे। ठीक है तो इसका स्पीड क्या बराबर ले सकते हैं, तो स्पीड बराबर देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। ओके तो हम लोग इसका स्पीड एस एक्स लिए हैं, तो एक्स बराबर डिस्टेंस क्या हुआ 18 इंटू 8, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय टाइम। देखिए ये 3 बजे खुली थी और 9 बजे जाके मिली, तो कितना घंटा सफ़र की, 9 से 3 माइनस करिए 6 घंटा। ठीक है 6 घंटा। ओके अब हम लोग इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेंगे, चलिए निकालते हैं। देखिए 6 से 3 से होगा 6 से 18 9, अब 8 इंटू 3 8 23 24, तो एक्स बराबर 24 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा आंसर क्या हुआ, आंसर 1। ओके ये काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा ये समझा, इसको अच्छा है देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करके देखिए, अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया कोई भी डाउट्स होगा आप हमको कमेंट में लिखिए या हमको मेल कर दीजिए, मेल करके पूछ सकते हैं आप, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। अच्छा फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुलिस एंड थेफ्ट का प्रॉब्लम को ही कंटिन्यू करेंगे, ये और 3 सम्स कराएंगे जो कि SSC में पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा सम्स है वो तीनों। ठीक है उसको अच्छा ट्रिकी मेथड से कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद पुलिस एंड थेफ्ट हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसके बाद वाला पार्ट, इसमें हम लोग गन फायरिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, एक कोई गन फायर हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन SSC में होता है, और जो बॉम्ब एक्सप्लोड किया है तो आदमी मूव कर रहा है टूवर्ड्स द एक्सप्लोशन, तो क्या कितने आवाज में क्या क्या स्पीड से मूव कर रहा है, साउंड क्या होगा, साउंड का स्पीड मांगता है उसमें, वो सब तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है वो पार्ट 4 होगा। ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हैव अ नाइस डे, गुड लक।